नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट के ऊपर, और उसमें अपना जो पार्ट अपना रनिंग में था वो पार्ट था अपना रियल एनालिसिस का, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। ये वास्तविक विश्लेषण का पार्ट अपना चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अपना बाउंडेड सीक्वेंस। लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो सीक्वेंस का पार्ट अपना चल रहा था, और इस सीक्वेंस के पार्ट में अपना सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, ये अनुक्रम का टॉपिक चल रहा था। और लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बाउंडेड सीक्वेंस का। कौन सा टॉपिक पढ़ा था दोस्तों अपन ने? बाउंडेड सीक्वेंस का टॉपिक हमने पढ़ा था। रिवाइज करवा देता हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई सीक्वेंस अगर नीचे से बाउंड है और ऊपर से बाउंड है, दोनों ओर से बाउंड है, तो वो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है? बाउंडेड कहलाती है। मतलब कोई रियल नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच में ही आपकी क्या रहती है? सीक्वेंस रहती है। उस केस में उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड बोलते हैं। ये सीक्वेंस कैसी है आपकी? बाउंडेड है। इसके अंदर एक्स एन लेस देन और इक्वल्स टू के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये सीक्वेंस कैसी है आपकी? अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपकी ये सीक्वेंस कैसी है? अपर बाउंड है। और इसी प्रकार अगर इतने इतने की बात करूं इधर वाले की, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ये सीक्वेंस कैसी है? लोअर बाउंड है। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अगर मैं बात करूं के लेस देन और इक्वल्स टू इस प्रकार से, तो ये किसकी कंडीशन आ गई? ये आपकी लोअर बाउंड की कंडीशन आ गई। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसका नाम है आपका सुप्रीमम एंड इन्फिमम। सुप्रीमम एंड इन्फिमम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चक और निम्न। उच्चक और निम्नक, ये क्या आता है अपना अगला टॉपिक आता है। क्या होता है उच्चक और निम्नक, इसके बारे में समझते हैं अपन, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब जितना भी पार्ट चल रहा है अपना, हर क्लास में ध्यान रखना सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? अब जितने भी चल रहे हैं, उच्चक और निम्नक यानी कि सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होते हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनना। एक बार वापस हम चलते हैं पीछे, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, इसको समझने के लिए, सुप्रीमम और इन्फिमम समझने के लिए आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने पिछले वाली क्लास में काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया था। तो भाई साहब, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है? मान लो आपकी कोई सीक्वेंस है, मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है जो दो और तीन के बीच में लाई कर रही है, ठीक है? कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि मेरा मतलब यह है कि आपके पास एक सीक्वेंस है जो दो और तीन के बीच में है। ये सीक्वेंस इस प्रकार से आपके पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सीक्वेंस है xn, और ये xn किसके बीच में है? दो और तीन के बीच में है। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है इस सीक्वेंस का ये दो क्या है दोस्तों? लोअर बाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सीक्वेंस इस दो से इधर नहीं जा सकती। मतलब इस सीक्वेंस का जो छोटे से छोटा पद है वो कौन सा है? वो दो है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? दो, इसका लोअर बाउंड हो गया, यानी कि निम्न परिबद्ध हो गया। सिमिलरली ये तीन क्या हो गया दोस्तों? इस सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया। ये तीन क्या हो गया? इस सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया। बोलो, ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो सीक्वेंस है दोस्तों वो दो और तीन के बीच में कहीं ना कहीं है। यही मतलब हुआ।
और ये दो क्या है इसका लोअर बाउंड और तीन क्या है इसका अपर बाउंड। मुझे एक बात बताओ, मैं इस चीज को ऐसे ना लिख के मैं ये लिख दूं कि ये जो सीक्वेंस है आपकी वो एक और चार के बीच में है, आपकी जो सीक्वेंस है वो एक और चार के बीच में है, तो मेरा ये कहना गलत थोड़ी ना होगा, ये मेरा कहना गलत थोड़ी ना होगा, गलत नहीं होगा, सही तो है भाई साहब। दो और तीन किसके चार के बीच, एक और चार के बीच में आते या नहीं आते भाई साहब? आपके ये दो और तीन जो है वो एक और चार के बीच में आते कि नहीं आते? बिल्कुल आते। अगर आपकी कोई सीक्वेंस एक्शन है वो दो और तीन के बीच में आ रही है, तो भाई साहब वो आपकी सीक्वेंस एक और चार के बीच में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। वो सीक्वेंस आपकी 0 से 6 के बीच में भी रहेगी, इनसे बाहर तो जा ही नहीं रही। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझना, यहाँ से मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा, लेकिन जो पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें समझने का प्रयास करना। इस सीक्वेंस एक 2 से 3 के बीच में है, ये मैंने एक सीक्वेंस ली, मैं कह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस के जो सारे के सारे पद है वो 2 और 3 के बीच में है। बिल्कुल है सर। अब मैं कह दूँ कि इसी सीक्वेंस के यही वाली सीक्वेंस जो 2 से 3 के बीच में, यही सीक्वेंस 1 से 4 के बीच में भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है सर? अरे भाई साहब, 2 और 3 एक और चार के बीच में आते नहीं आते? कभी सुना है क्या 2 1 से पहले आ गया? नहीं आता ना, 1 के बाद में ही 2 आता है, और 3 4 के बाद में नहीं आता ना, पहले ही आता है। तो 2 और 3 जो है आपके वो 1 और 4 के बीच में है, तो आपकी ये सीक्वेंस 1 और 4 के बीच में भी तो रहेगी। इसी प्रकार ये 0 6 के बीच में भी रहेगी, 0 10 के बीच में भी रहेगी, बिल्कुल रहेगी ना, ठीक है? तो भाई साहब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि सर हम, आपका मतलब ये हुआ कि सर इस सीक्वेंस का आपने क्या कहा, ये 4 के बीच में भी हो सकती है, 2 से 5 के बीच में भी हो सकती है, 6 के बीच में भी हो सकती है, 7 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है? तो 2 से 4 के बीच में भी हो सकती है, 5 के बीच में भी हो सकती है, 2 से 6, 2 से 7, इनके किसी के बीच में भी हो सकती है। कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा मतलब ये हुआ कि सर ये 3 क्या है इसका अपर बाउंड है, तो भाई साहब ये 4 भी तो इसका अपर बाउंड ही होगा, ये 5 भी इसका अपर बाउंड होगा, ये 6 भी इसका अपर बाउंड होगा, ये 7 भी इसका अपर बाउंड होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल इसी को देखो, चलो एक्स एन बिलोंग्स टू 2 और 3, इस केस में इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या है? 3 है। मैं कह दूं कि भाई साहब यही सीक्वेंस आपकी 1 और 4 के बीच में है, अब इस केस में इसका अपर बाउंड क्या है? 4 है, क्योंकि 4 इसको रोक रहा है, 4 इसको क्या बोल रहा है कि भाई साहब पढ़ा रहे, भाई 3 के बाद में 4 आता है, तो 4 भी इसका अपर बाउंड ही हो गया, 5 भी इसका अपर बाउंड हो गया, 6 भी इसका अपर बाउंड हो गया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इस सीक्वेंस के ये जितने भी अपर बाउंड्स हैं, इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड सर 3 है। ये 3 ही क्या कहलाता है दोस्तों? इन्फिमम कहलाता है, यानी कि सीक्वेंस का उच्चक कहलाता है। यहां मैं आना चाह रहा था, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी सीक्वेंस के सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होता है वही उस सीक्वेंस का क्या कहलाता है? इन्फिमम सॉरी, उच्चक का मतलब होता है सुप्रीमम, सुप्रीमम कहलाता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? सुप्रीमम कहलाता है, यानी कि उच्चक कहलाता है। ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये देखो, ये 6 भी क्या है अपर बाउंड है, ये 5 भी अपर बाउंड है, ये 4 भी अपर बाउंड है, ये 3 भी अपर बाउंड है। भाई साहब ये सीक्वेंस के जो पद है वो 3 के उधर नहीं जा रहे, तो 4 के भी उधर नहीं जाएंगे, 5 के भी उधर नहीं जाएंगे, 6 के भी उधर नहीं जाएंगे, मतलब ये सारे के सारे इसके क्या है? अपर बाउंड है। इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? ये 3 है। तो ये 3 ही क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका सुप्रीमम कहलाएगा, यानी कि उच्चक कहलाएगा। मैं चाहता तो इस डेफिनेशन को आपको डायरेक्ट लिखा सकता था, डायरेक्ट बोल सकता था कि किसी माना कोई सीक्वेंस एक्स एन है जो बाउंडेड है, इस सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड है उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वही क्या होगा इस सीक्वेंस का? सुप्रीमम होगा, यानी कि उच्चक होगा। तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज ये चलती कि सर आप बोल रहे हो अपर बाउंड भी बोल रहे हो, लेकिन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड उच्चक कैसे हुआ? तो कहने का मतलब मेरा ये था
इन चीज़ों की सहायता से मैंने आपको समझाया कि क्यों सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला अपर बाउंड उच्च क्यों होता है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस के अपर बाउंड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उच्चक बहुत सारे नहीं होते, सुप्रीमम बहुत सारे नहीं होते। उन सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होता है वही क्या होता है, आपका सुप्रीमम होता है। सिमिलरली इसी को हम थोड़ा सा और आगे देखना चाहें तो इसी पे वापस आओ, दो और तीन के बीच में अपना एक्सएन बैठा था भाई साहब। अब मैं कहूँगा एक और तीन के बीच में भी तो एक्सएन बैठता है, जीरो और तीन के बीच में नहीं बैठता क्या? बिल्कुल बैठता है। अगर दो और तीन के बीच में बैठा है तो वो एक और तीन के बीच में भी रहेगा ही रहेगा, जीरो तीन के बीच में भी रहेगा, माइनस एक और तीन के बीच में भी रहेगा, माइनस दो और तीन के बीच में भी रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस एक जीरो फिर एक फिर दो फिर ये तीन, इसके पूरे के बीच में मेरा एक्सएन तो है ही है। ठीक है, अब देखो भाई साहब अगर ये दो ना हो तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा एक्स एन जो है वो किसके बीच में है, वो माइनस एक और तीन के बीच में है। ठीक है, मीन्स ये माइनस एक क्या हुआ, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड हुआ। लेकिन मैं बात करूं कि भाई साहब ये आपकी जो सीक्वेंस है वो जीरो से तीन के बीच में है, तो यहाँ जीरो क्या हुआ, इसका लोअर बाउंड हो गया। इसी सेम सीक्वेंस का अगर इसको मैं कहूँ एक और तीन के बीच में है तो ये एक ही सीक्वेंस का अब क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। सेम सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इन सभी सीक्वेंस, इस एक सीक्वेंस का जीरो भी लोअर बाउंड आ रहा है, इधर माइनस एक भी लोअर बाउंड आ रहा है, इधर एक भी लोअर बाउंड आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि किसी सीक्वेंस के जितने भी लोअर बाउंड है उन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका इन्फिमम कहलाएगा, यानी कि निम्नक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, निम्नक कहलाएगा। तो इन्फिमम की भाषा, इन्फिमम की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई होगी, क्या होगी कि किसी बाउंडेड सीक्वेंस, पहली चीज उच्चक और निम्नक यानी कि सुप्रीमम और इन्फिमम तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपकी सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड होगी। बाउंडेड मतलब वो नीचे से भी बाउंड होनी चाहिए और ऊपर से भी बाउंड होनी चाहिए। तो पहली चीज सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट जरूर करेगा। सुप्रीमम क्या होगा, उस सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड है उन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होगा वो उसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इसी प्रकार जितने भी लोअर बाउंड है उन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वाला जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, उसका इन्फिमम होगा यानी कि निम्नक होगा। ये चीज समझ में आई होगी सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में। ठीक है, ये तो अपन ने समझने की इसको कोशिश की थी, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। कोई भी एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस आपकी एक्सएन है वो बिलोंग मान लो सात से आठ के बीच में है। ठीक है, तो भाई साहब नौ भी इसका अपर बाउंड है, दस भी इसका अपर बाउंड है, ग्यारह भी इसका अपर बाउंड है, सिमिलरली छह भी इसका लोअर बाउंड है, पांच भी इसका लोअर बाउंड है, चार भी इसका लोअर बाउंड है। तो ये चार पाँच छः ये सारे क्या है, इसके लोअर बाउंड है। इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, सात है, तो सात क्या रहेगा दोस्तों, इसका इन्फिमम रहेगा। सिमिलरली ये नौ भी इसका अपर बाउंड है, दस भी अपर बाउंड है, ग्यारह बारह ये सारे क्या है, अपर बाउंड है। लेकिन इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला अपर बाउंड कौन सा है, आठ है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सुप्रीमम कहलाएगा यानी कि उच्चक कहलाएगा। बोले ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, क्लियर सभी को। अब लिखते हैं भाई साहब इसकी डेफिनेशन। सुप्रीमम एंड इन्फिमम यानी कि उच्चक और निम्न। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, उच्चक और निम्न क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होते हैं, इसके बारे में देखना। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं, माना एक्सएन, माना एक्सएन एक परिबद्ध अनुक्रम है
अनुक्रम है तब xn के सभी xn के सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध xn का उच्चक कहलाता है। सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको लिख रहा हूं, लेट xn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस देन द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ देन द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट अपर बाउंड इन ऑल अपर बाउंड्स ऑफ xn इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ xn। ये हो गया, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहो तो मान लो xn बराबर 1/n, ठीक है। इसको जब आप ओपन करते हो तो ये 1/2, 1/3, 1/4 डैश जीरो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आप दोस्तों? सुप्रीमम हो गया। ये क्या हो गया? इसका सुप्रीमम हो गया, यानी कि उच्चक हो गया, क्योंकि इससे बड़ा 2 भी है, उससे बड़ा 3 भी है। ये सीक्वेंस आपकी 2 से लेकर 0 के बीच में लाई करती या नहीं करती? 1/n जो है, मैं कह दूं कि ये 0 से 2 के बीच में है तो क्या गलत कह दिया क्या? नहीं, बिल्कुल सही है सर। मैं कह दूं कि ये -1 से 2 के बीच में है तो क्या गलत कह दिया क्या? नहीं, इसी के बीच में है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इन 2 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। ना तो -1 से उधर जा रहा है ना 2 से उधर जा रहा है, इसके बीच में ही पड़े। तो -1 भी क्या है? इसका लोअर बाउंड है। 0 भी क्या है? इसका लोअर बाउंड है। दोनों इसके लोअर बाउंड है। दोनों में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? 0 है। तो 0 क्या हो गया इसका? दोनों लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? 0 है। तो 0 क्या हो गया इसका? इन्फिमम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका? सुप्रीमम हो गया। तो इन्फिमम के लिए भी डेफिनेशन लिख लेता हूं। इसी प्रकार xn के सभी निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा निम्न परिबंध xn का निम्नक कहलाता है। क्लियर? हिंदी मीडियम वालों के, इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूं, सिमिलरली द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन All lower bound of xn is called infimum of
इन्फिमम ऑफ लोअर बाउंड, सॉरी इन्फिमम ऑफ ऑफ सिक्वेंस xn, सिक्वेंस xn का क्या कहलाता है, इन्फिमम कहलाता है। इसका यही एग्जाम्पल इसके लिए लिख देना, ये क्या हो गया इसका इन्फिमम हो गया, ठीक है। तो मोटी मोटी बात क्या हुई सुप्रीमम और इन्फिमम के लिए। अब एक चीज़ मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ का, अब कई स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ क्या आ रही है स्टूडेंट के दिमाग में, ये आ रहा है कि सर आपने यहाँ इसको बोला कि सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, उच्चक होगा। सर आप इसको सीधा सीधा यही बोल देते कि किसी सिक्वेंस का जो अपर बाउंड होगा वही उच्चक होगा और किसी सिक्वेंस का जो लोअर बाउंड होगा वही क्या होगा, निम्नक होगा, इन्फिमम होगा। क्या ऐसा बोलना सही है? मैं ये ना बोलता कि जितने भी अपर बाउंड है उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इसकी जगह मैं इतना ही बोलता, इतनी डेफिनेशन अपन लिखते कि इसका किसी सिक्वेंस का जो अपर बाउंड होगा वही क्या होगा, उसका उच्चक होगा। क्या सही होता मैं? नहीं, बिल्कुल गलत होते हम। क्यों? क्योंकि किसी सिक्वेंस के बहुत सारे अपर बाउंड होते हैं लेकिन उसका सुप्रीमम फिक्स होता है। जैसे ऊपर वाले मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे 0-1 के बीच में अभी वाली 1/n जो थी अपनी, अपनी जो सिक्वेंस थी 1/n, ये जो सिक्वेंस थी अपनी, ये किसके बीच में लाई कर रही थी? ये 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही थी। तो मेरी ये सिक्वेंस भाई साहब -1 से 2 के बीच में नहीं है क्या? है ना। तो -1 अब इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। इस प्रकार से लोअर बाउंड तो बहुत सारे होते हैं। अगर किसी सिक्वेंस का या तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, किसी सिक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, करेगा इसका मतलब उसके बहुत सारे लोअर बाउंड हो सकते हैं और इसी प्रकार अपर बाउंड भी उसके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीमम और इन्फिमम बहुत सारे नहीं होंगे। किसी सिक्वेंस के जितने भी लोअर बाउंड होते हैं उन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वाला जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, इन्फिमम होता है। इसी प्रकार किसी सिक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड होते हैं उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होता है वो उस सिक्वेंस का क्या होता है, सुप्रीमम होता है, इन्फिमम, सॉरी सुप्रीमम होता है यानी कि उच्चक होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आता है आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस। एग्जिस्ट अनुक्रम, इसको पढ़ते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है आपकी, यानी कि एग्जिस्ट अनुक्रम क्या होता है। तो इसको समझने से पहले अपने को दो चीजें समझनी पड़ेगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी कि एग्जिस्ट वर्धमान अनुक्रम, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी कि एग्जिस्ट वर्धमान अनुक्रम, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन सभी पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। तो भाई साहब अगर कोई सीक्वेंस आपकी x1 < x2 x2 < x3 < x2 x4 < x2 x5 इस प्रकार से अगर आपकी कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। इस प्रकार से अगर आपकी कोई सीक्वेंस होती है जो बढ़ते हुए क्रम में हो, कहने का मतलब है ये वाला पद या तो इसके बराबर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, इसी प्रकार ये इसके इक्वल या इससे छोटा, ये इसके इक्वल या इससे छोटा, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में या इक्वल की फॉर्म में आपकी सीक्वेंस आपको मिल रही है तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। अर्थात आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, xm
एंड फॉर ऑल एम लेस देन इक्वल्स टू एन, ये भी किसका साइन होता है, ये आपका इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए, क्लियर सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट नाम आता है इसी के अंदर आपका मोनोटोनिकली कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, यानी कि एक दिष्ट निरंतर वर्धमान, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान, इसके बारे में चर्चा करते हैं साहब, ठीक है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, देखो नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, कंटिन्यूसली मतलब अब कंटिन्यू बढ़ ही रही है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग, वहां देखो कंटिन्यू नहीं था, ये देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं सर, बीच में इक्वल भी लगा हुआ है, कहीं कहीं पे सीक्वेंस की टर्म बराबर भी हो सकती है, जैसे एक्स वन एक्स टू बराबर हो सकते हैं, फिर ये बड़ा हो सकता है, फिर बड़ा हो सकता है, फिर वापस कहीं बराबर आने लग गई, इस प्रकार की सीक्वेंस तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग कहलाती है। लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि आगे वाला पद पीछे वाले पद से हमेशा बड़ा होगा, बराबर किसी कंडीशन में नहीं होंगे, कहने का मतलब है कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 डैश डैश xn, इस प्रकार की सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है, मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कहलाती है, ठीक है। अर्थात आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, एक्स एम लेस देन एक्स एन और फॉर ऑल एम लेस देन एन, ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये आपकी हो गई इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, इसको इसी प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये क्या कहलाती है, सिर्फ इंक्रीजिंग। अब इसके अंदर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं एक दिष्ट हासमान अनुक्रम, एक दिष्ट हास अनुक्रम, इसकी बात करते हैं। तो इसका उल्टा मान लो, अगर कोई सीक्वेंस घटते हुए क्रम में है, अर्थात इस प्रकार से है x1 greater than equals to x2 greater than equals to x3 greater than equals to x4 dash dash greater than equals to xn, या फिर आप ये कहो xn plus 1 greater than or equals to xn, इस प्रकार से भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हो। ये किसकी फॉर्म में हो गया, ये घटते हुए फॉर्म में हो गया, यानी कि ये अगर n का मान एक लोगे तो यहाँ x2 greater than equals to x1, मतलब ये सीक्वेंस कैसी हो गई अब आपकी, सॉरी इस प्रकार से होगी एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन, ठीक है। वो पहले वाला तो इसी का पार्ट हो गया था, ठीक है, इंक्रीजिंग का ही। ये क्या है, डिक्रीजिंग। ये एक्स वन है तो ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है तो ये एक्स फोर है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये इस फॉर्मेट में आपकी क्या कहला, यहाँ देखो इक्वल है मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। अब इसी में अगर आप नाम डाल दो एक, मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, यानी कि एक दिष्ट निरंतर हासमान, एक दिष्ट निरंतर हासमान, मतलब अब कंटिन्यू रूप से रहेगी, इक्वल वाला साइन हट जाएगा, ये लो
अब देखो ये कंटिन्यू रूप से घट रही है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें कंटिन्यू रूप से नहीं घट रही थी। कई टर्म ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इक्वल हो सकते हैं आपस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये कंटिन्यू रूप से घटती ही रहेगी। तो एक दिस्ट इंक्रीजिंग और एक दिस्ट सॉरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ये मतलब होता है, ठीक है। ये चारों चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई सिक्वेंस कंटिन्यू रूप से बढ़ रही है तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, अगर वो सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है, कहीं कहीं इक्वल भी है, तो वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। इसी प्रकार कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रही है तो वो डिक्रीजिंग। तो ये तो सीधी सीधी सी डेफिनेशन थी, सभी को पता है कि इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यू लगाया मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग का मतलब वो कंटिन्यू रूप से इंक्रीज ही हो रही है, और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मतलब वो कंटिन्यू रूप से डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। तो भाई साहब अब आता है अपना मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब आते हैं अपने उस टॉपिक पर। मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी कि एक दिस्ट अनुक्रम, ये क्या होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब। तो भाई साहब अब जैसे लोअर बाउंड अपर बाउंड पढ़ा था, वो दोनों मिलकर किसको बना रहे थे, बाउंडेड बना रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये दो डेफिनेशन पढ़ी है तो कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो वो क्या हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि अगर कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक है, या तो वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है, तो वो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है, एकदिष्ट अनुक्रम कहलाता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या कहलाती, क्या होती है कि अगर कोई सीक्वेंस आपकी या तो मोनोटोनिकली इंक्रीज है या आपकी वो मोनोटोनिकली डिक्रीज है, मोनोटोनिकली इंक्रीज है या मोनोटोनिकली डिक्रीज है, उस केस में आपकी सीक्वेंस क्या कहलाती है दोस्तों, मोनोटोनिक कहलाती है। मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए या फिर वो कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये दो डेफिनेशन काफी अच्छी थी आज की क्लास में पढ़ी। अब आता है इस रियल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही थे, अरे ये भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, लेकिन ये थोड़े कम थे, ठीक है, ये क्या थे, थोड़े कम थे। अभी जो आएगा वो बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, लिमिट पॉइंट यानी कि सीमा बिंदु, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अर्थात सीमा बिंदु, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी क्लासों में यही चलेगा अब, ठीक है। लिमिट पॉइंट के बारे में इसकी थ्योरम्स, अब थ्योरम्स इसके ऊपर बेस्ड रहेगी, लिमिट पॉइंट या लिमिट के ऊपर सारी थ्योरम्स सारे क्वेश्चंस इस सीक्वेंस के रहते हैं। ये सीक्वेंस पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड रहती है, ये पूरी की पूरी लिमिट पॉइंट और लिमिट के ऊपर बेस रहती है। पीछे जितनी भी डेफिनेशन हमने काम में ली जो पढ़ी थी, वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब वो काम में आएगी उन थ्योरम्स क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।